हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही भिंडी दो प्याज़ा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आगे के अपडेट्स आपको मिल सकें। और एक बार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भिंडी को मैंने इस तरह 4 भागों में कट किया है। फिर थोड़ा सा बेसन डाल के इसमें और हल्की सी पानी की छिट्टे लगाकर बाइंड किया है बेसन को भिंडी के साथ। देखिए इस तरह बाइंड हो चुका है बेसन। अब मैं इस भिंडी को तेल में डालूँगी। ये देखिए मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। इसको सिर्फ सैलो फ्राई करना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा डीप अगर आप फ्राई करोगे तो भिंडी टाइट हो जाएगी, तो इसलिए हमको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, इसका नेचुरल कलर जाने ना पाए। तो हल्का सा सैलो फ्राई करेंगे भिंडी को हम। और बनाकर ये रेसिपी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी और आपकी फैमिली को कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ भिंडी को। अब मैंने प्याज को 4 टुकड़ों में काटा हुआ है, और इसमें मैंने लहसुन, प्याज, थोड़ा सा अदरक, सबको मैं रोस्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हो इसको भी हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सैलो फ्राई ही करना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हल्का हल्का रेडिश कलर हो चुका है। ये मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है इसको। अब ये भिंडी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इस प्याज को मिक्सी में पीसने वाली हूँ। ये मिक्सी में मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, खड़ी लाल मिर्च और 2 चम्मच दही डाला है। ये ट्विस्ट है थोड़ा, मैं मसाला थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। मैंने पानी की जगह दही का यूज़ किया है इस मसाले में। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया और नमक स्वादानुसार मिलाऊंगी। अब इसमें इसको मिक्स कर लूँगी मिक्सी में। अब मेरा ऑयल रेडी हो गया, जो रेस्ट ऑयल बचा था उसी में मैं सब्जी को बनाऊंगी। कोई अलग से और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया है मैंने। इसमें जीरा डाला मैंने, और ये जो मसाला मैंने रेडी किया था पीस के, अब मैं डायरेक्टली इसमें डाल दूंगी। इस मसाले को हमें धीमी आंच पर बहुत अच्छे से पकाना है, इसका सारा कच्चापन निकल जाए, क्योंकि इसमें दही भी कच्चा है, इसके प्याज भी अभी पर प्याज हमने पका के डाला है। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पकाने की मसाले को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार इसको कुक कर चुके हैं। बस दही का कच्चापन निकल जाए तब तक हमें इसको पकाना है। हमने प्याज जो फ्राई किए थे उसमें से थोड़े से प्याज हमने बचा के रखे थे, जो हम अब हम इस मसाले के साथ में डालेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, ऑयल अलग हो गया है, ग्रेवी अलग दिख रही है। काफ़ी अच्छे से पक चुका है मसाला। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ऑलरेडी, और भिंडी भी डाल दी है साथ में। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ प्रॉपर, जिससे मसाला हर भिंडी में पहुंच जाए। अब इसको अच्छे से धीमी आंच पे 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही पकाना है, जिससे मसाला मिक्स हो जाए भिंडी के अंदर प्रॉपरली। ये देखिए हमारी भिंडी दो प्याज़ा रेडी है।
देखने में कितनी कलरफुल लग रही है उतनी ही ज़्यादा खाने में भी बहुत टेस्टी है। रेगुलर भिंडी से कुछ हटकर है, बच्चों को भी चेंज पसंद आएगा, एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपके घर में ये रेसिपी। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।